50 बोतल देसी शराब के साथ मधुपुर पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। मधुपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर में पुलिस की छापेमारी में 50 बोतल अवैध देसी शराब जब्त किया गया। वहीं 10 किलो जावा महुआ को भी नष्ट किया गया। मामले में अवैध शराब के साथ महादेव मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि महादेव मंडल ताड़ी की दुकान अवैध ढंग से चलाता था और उसी दुकान में 50 बोतल टंच नामक देसी शराब का बोतल रखा था। 2 कार्टून में रखे शराब की बोतल में राज्य सरकार का लोगो लगा हुआ है। प्रत्येक बोतल में 300 ml शराब की मात्रा दर्शाई गई है, जिस पर 35 रुपये प्रति बोतल दाम लिखा हुआ है। घटना को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है एवं आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं पुलिस निरीक्षक मनोज मल्लिक ने बताया कि अवैध कोई भी कारोबार चलने नहीं दिया जाएगा।